हेलो एवरीवन, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट ब्रोंकियल ट्री कि जब ट्रेकियल ट्यूब आता है दो में बाइफर्केट करता है लंग्स में, वो कैसे कैसे डिवाइड करता है और कौन कौन सी ब्रांचेस देता है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ट्रेकियल ट्यूब के बारे में ही बात करेंगे कि ट्रेकियल ट्यूब कैसे आता है। दिस वन इज ट्रेकियल ट्यूब जो एंटीरियरली यहाँ से जो पैसेज कर रहा है और आके फिर ये थोरेक्स कैविटी में आती है। दिस वन ट्रेकियल ट्यूब जैसे ही यहाँ पे आएगी तो ये दो में डिवाइड कर जाएगी। अभी जो राइट वन है यहाँ पे कैसे डिवाइड कर रही है और लेफ्ट के साइड तब ये जा रही है तो कैसे ये डिवाइड कर रही है वो चीज देखेंगे। टू में डिवाइड कर गया, लेकिन जब ये लेफ्ट के साइड जाता है तो ये थोड़ा नैरोवर रहता है। लेफ्ट लंग में जाता है तो थोड़ा सा नैरोवर नैरो रहेगा ट्यूब। एंड सेकेंड ये ओब्लीग रहेगा एज कम्पेयर टू दिस, ये थोड़ा ओब्लीगिटी शो करेगा। और जो ये एंगल जो इसके बीच में फॉर्म होगा राइट लंग के साथ 25 डिग्री का एंगल बनेगा, बट जो लेफ्ट लंग है उसके साथ ये 45 डिग्री के एंगल फॉर्म करेगा। अभी लंग्स के अंदर ये कहाँ से एंटर करता है, लंग्स में जो हाइलम रीजन है या रूट ऑफ लंग रीजन है जहाँ से सारे कंटेंट पास करते हैं, वेदर इट इज आर्टरी वेन या ब्रोंकियल आर्टरीज या ब्रोंकियल वेन्स, वहीं से ये एंटर करेगा। सपोज दिस इज योर लंग्स, राइट वन लंग एंड दिस इज लेफ्ट लंग। सॉरी, ये लेफ्ट लंग है इधर। अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेकिया आ रही है दो में बाइफर्केट कर रही है तो जो लेफ्ट लंग है उसके ये 45 डिग्री एंगल फॉर्म करती है और ये ट्यूब बहुत ही नैरो रहती है और फिर ये लंग्स के अंदर एंटर करती है। लेकिन जो राइट लंग है वो बहुत ही क्लोज प्रोक्सिमिटी में होता है टू द ट्रेकियल ट्यूब, मिड लाइन में रहता है। तो इसी वजह से अगर कोई इन्फेक्शन ट्रेकियल ट्यूब तक पहुंच भी गया है और वो इतना हाईली वेरिएबल बैक्टीरिया है, उसके अंदर इतना पावर है कि वो आगे भी मल्टीप्लाई करता जा रहा है और प्रोलीफेरेट करता जा रहा है और इम्यून सिस्टम का कोई अफेक्ट नहीं आ रहा है, तो लंग्स में एंटर जैसे ही वो करेगा तो सबसे ज्यादा चांसेस है वो राइट लंग में एंटर करेगा। बिकॉज ये क्लोज प्रोक्सिमिटी में है तो राइट लंग सिर्फ 25 डिग्री का ही एंगल बनाता है एज कम्पेयर टू राइट वन, तो इन्फेक्शन यहाँ पे ट्रांसमिट बहुत जल्दी होगा और ज्यादा से ज्यादा ये राइट लंग को अफेक्ट करेगा। बीच में ट्रेकियल टू में डिवाइड करी है ये जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड क्रेनिया, तब एक ट्रेकियल ट्यूब दो में डिवाइड करती है। अब भी जब हम लोग इस रीजन की बात करें जो ये कंटेंट रहता है ट्रेकियल ट्यूब का, जो ये पोर्शन है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई दैट इज प्राइमरी ब्रोंकाई। लेकिन जैसे ही ये लंग्स में एंटर करता है ये वाला रीजन है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्रोंकाई दैट इज सेकेंडरी ब्रोंकाई। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने बात किया था लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं लोब्स, वो लोब्स कैसे बनते हैं फीजर से। अभी राइट लंग में दो फीजर प्रेजेंट है, एक ओब्लिक फीजर एंड ट्रांसवर्स फीजर, एंड लेफ्ट में एक ओब्लिक फीजर प्रेजेंट है। फर्दर हमने बात किया कि जो आगे भी ब्रांचेज निकलेंगी, जो ये ब्रोंकाइज हैं आगे भी फर्दर इनकी बहुत सारी ब्रांचेज निकलेंगी दैट वन, और जो ये ब्रांचेज निकलते हैं दैट आर कॉल्ड टर्सरी ब्रोंकस, दिस आर टर्सरी ब्रोंकस। अब ये हर एक सेगमेंट को जाके ब्रांच सप्लाई करेंगी। राइट में 10 टर्सरी ब्रोंकस प्रेजेंट रहते हैं, 10 टर्सरी ब्रोंकस बिकॉज यहाँ पे 10 लंग्स प्रोमिनेंटली दिखाई देते हैं, 10 लोब्स। अभी यहाँ पे जो है 8 टर्सरी ब्रोंकाई दिखाई देंगी इन द लेफ्ट लंग। तो दिस इज जनरल ओवरव्यू, ट्रेकियल ट्यूब आया उसने दो में बाइफर्केट किया, राइट लंग के बहुत ही क्लोज प्रोक्सिमिटी में लंग प्रेजेंट है और ट्रेकियल ट्यूब जब लेफ्ट लंग में एंटर करती है बहुत नैरो और बहुत ही ओब्लीग रहती है, दिस वन इज ओब्लीग नेचर का रहता है और ये 45 डिग्री एंगल का फॉर्म करता है, इसीलिए इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस इधर होते हैं। अब ये डिवाइड कैसे किया, जो हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेकियल ट्यूब डिवाइड हुआ फर्दर ब्रांचेस निकली इनको क्या बोलेंगे, जो पार्ट लंग से बाहर है दैट इज प्राइमरी ब्रोंकस,
ब्रोंकाई, जब ये लंग्स में एंटर करता है दैट इज सेकेंडरी ब्रोंकाई, लेकिन जैसे ये लोब्स में डिवाइड करता है दैट इज टर्सरी ब्रोंकाई। अभी जो ये टर्सरी ब्रोंकाई है फर्दर ये किस में जाएगा, ब्रोंक्योल्स, ब्रोंक्योल्स, तब ये टर्मिनल ब्रोंक्योल्स में जाता है, टर्मिनल ब्रोंक्योल्स में। इनकी जो ये ब्रांचेस हैं ये और भी ज्यादा छोटी होती जाती हैं, लाइक दैट वेरी स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस हो जाती हैं, अबाउट 1 mm ब्रांचेस हो जाती हैं। लेकिन तब ये एल्वियोलाई के पास जाता है तो इसकी ब्रांचेस, जब ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल्स के पास जाएगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल्स, तो इसका साइज 0.5 mm तक ही बच जाता है, जो कि एक मेन पैसेज है एल्वियोलाई, जहाँ पे गैसियस का एक्सचेंज होता है वहाँ पे कितना डायमीटर प्रेजेंट रहता है उनका, 0.5 mm। तो जहाँ पे गैसियस का एक्सचेंज हो रहा है उसके पास कितना स्पेस अवेलेबल है, ओनली 0.5 mm डायमीटर उसका रहता है। और वहाँ पे क्लस्टर्स ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट रहते हैं, जैसे ग्रेप्स का गुच्छा देखा है उसके अंदर इतने सारे एल्वियोलाई प्रेजेंट है, ऐसे ही लंग्स में छोटे छोटे माइक्रो स्ट्रक्चर्स ये प्रेजेंट रहते हैं जहाँ पे गैसियस का एक्सचेंज होता है। अभी हम लोग रेस्पिरेटरी यूनिट की बात करेंगे, इसी के अंदर जो हम लोग बात कर रहे हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद क्या क्या चीजें हैं। सपोज एक ट्यूब आया, आगे फर्दर बहुत सारे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, दिस वन, और यहाँ पे बहुत सारी मसल्स प्रेजेंट होंगी यहाँ पे, दिस इज व टर्मिनल ब्रोंकल्स, जो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, फिर क्या आता है टर्मिनल ब्रोंकल्स, टर्मिनल ब्रोंकल्स। तो फर्दर ये छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड करेगा। अभी छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड कर रहा है तो हम लोगों को देखना है कि एक एल्वियोलाई तक क्या पैसेज है। जब एल्वियोलाई में एक छोटी सी डक्ट आती है, सपोज यहाँ से एक डक्ट आ रही है, दैट इज कॉल्ड एल्वियोलाई डक्ट, एल्वियोलाई डक्ट, और जो एल्वियोलाई के अंदर जो स्पेस है दैट इज एल्वियोलाई सैक, दैट इज एल्वियोलाई सैक। अभी जो एल्वियोलाई के अंदर जो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है लाइक दैट, जो ये स्पेस अवेलेबल है दैट इज एल्वियोलाई एंट्रम। तो ये रेस्पिरेटरी यूनिट रहता है, जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हैं उनके सराउंडिंग में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं, जो वोसो कॉन्स्ट्रिक्शन में हेल्प करेंगे एंड वोसो डायलिटेशन में हेल्प करेंगे। डायलिटेशन जो ब्रोंकियोल्स हैं उनके डायलिटेशन, या फिर सॉरी नॉट वाजो डायलिटेशन, उनकी जो है कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करेंगे, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होंगे, दीज आर स्मूथ मसल्स। और साथ में यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट में क्या प्रेजेंट होगा, हर जगह पे इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर, इसीलिए इनकी कैपेबिलिटी होती है कि ये एक स्टेज में जाती हैं, एक्सपेंड भी करती हैं और रिगेन अपना शेप दोबारा से शेप रिगेन कर लेती हैं, लाइक एन इलास्टिन, अपने ओरिजिनल शेप से दूसरी शेप में जाएंगे और फिर से ओरिजिनल में आ जाएंगे, लाइक अ बैलून फूलता है फिर से हवा निकल जाएगी तो फिर से सिकुड़ जाता है। सिमिलरली एल्वियोलाई भी ऐसे ही करेंगी, टर्मिनल ब्रोंकल होगा तो उसमें हम लोग आगे फर्दर बहुत सारी ब्रांचेज अराइज होंगी, फिर जो छोटा सा एक डक्ट है जो एल्वियोलाई को सप्लाई कर रहा है दैट इज एल्वियोलाई डक्ट, जो अंदर का स्पेस है एल्वियोलाई का दैट इज एल्वियोलाई सैक। अभी जो एल्वियोलाई सैक के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज एल्वियोलाई एंट्रम, ये एल्वियोलाई एंट्रम प्रेजेंट रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट कैसे कैसे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स जो है डिवाइड करते हैं, क्या क्या ब्रोंकियल ट्री की ब्रांचेज हैं। ब्रोंकियल ट्री की ब्रांचेज हो गया, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, कि दोनों लंग्स में कितने सेगमेंट प्रेजेंट हैं और इसका क्या यूज है। ये एनाटॉमिकली भी इम्पोर्टेंट है, फंक्शनली भी इम्पोर्टेंट है, एंड सर्जिकल सर्जरी के टाइम पे अगर हम लोगों को एक सेगमेंट रिसेक्ट करना है, ऑपरेशनल के टाइम पे भी सेगमेंट को रिमूव करना ईजी हो जाता है इफ वी नो अबाउट द सेगमेंट्स, कि कितने कितने सेगमेंट्स जो है लंग्स में प्रेजेंट है। तो एनाटॉमिकली, फंक्शनली और सर्जिकली दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अभी राइट लंग में कितना प्रेजेंट है, लेफ्ट में कितना है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट राइट लंग सिंपली ऐसे प्रेजेंट होता है, दिस इज एंटीरियर बॉर्डर एंड दिस इज पोस्टीरियर बॉर्डर एंड इट इज इंफीरियर ऑफ
इंफीरियर सरफेस एंड दिस इज एपेक्स, या इसको बोल सकते हैं बेस, बेस ऑफ लंग। अभी जो राइट वन है यहाँ पे कितने लोब प्रेजेंट है, टोटल 10 लोब्स प्रेजेंट हैं, 10 लोब्स प्रेजेंट रहते हैं राइट में। तो यहाँ पे दो फीजर्स प्रेजेंट हैं, एक ओब्लिक फीजर, हमने यहाँ पे बात किया था इंफीरियरली एंटीरियर बॉर्डर से यहाँ पे 5 सेंटीमीटर चलते हैं, तो यहाँ पे ये फीजर जो है एंड करता है लाइक दैट। और यहाँ से जब हमने बात किया था, अगर हम लोग इस रीजन की बात करते हैं तो जहाँ पे फोर्थ वर्टिब्रल बॉडी रहती है उसके कोरस्पॉन्ड में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये जो है लंग 3 लोब्स में डिवाइड हो गया। लंग क्या है, एक कोन की शेप में है, उसमें हम लोगों को रीजन्स को डिवाइड करना है, सेगमेंट्स हम लोगों को बनाना है ताकि सर्जरी के टाइम पे भी इजी हो जाए। और लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अभी ये सेगमेंट्स कैसे डिवाइडेड है वो चीज़ हम लोग देख रहे हैं। अभी जो बेस है यहाँ से इसके एंटीरियर से, एंटीरियर बॉर्डर से 5 सेंटीमीटर लेटरल चलेंगे, तो यहाँ पे जो ओब्लिक फीजर है उसका एंड होगा। और जब हम लोग ऊपर से एंटीरियर बॉर्डर पे ऊपर से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो फोर्थ कोस्टल फोर्थ वर्टिब्रल बॉडी है यहाँ से एक लाइन पास करेंगे जो कि क्या रहेगा, ट्रांसवर्स फीजर। तो यहाँ पे 3 लोब्स प्रेजेंट हो गए। सॉरी, दिस इज अबाउट सेगमेंट, 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट प्रेजेंट है। लोब्स कितने प्रेजेंट है, 3 लोब्स प्रेजेंट है, 3 लोब्स। दिस इज अपर लोब, मिडल लोब, दिस वन इज अपर लोब एंड दिस इज मिडल लोब एंड दिस इज पोस्टीरियर लोब। अभी जो ये ओब्लिक फीजर है इसकी वजह से जो ये वाला रीजन है, दिस इज पोस्टीरियरली दिखाई देता है, बहुत प्रोमिनेंटली पोस्टीरियर दिखाई देगा, और जो ये अपर लोब और मिडल लोब है ये एंटीरियरली दिखाई देंगे। देट अभी अपर लोब में कौन कौन से प्रेजेंट हैं वो चीज़ देखेंगे, मिडल में एंड लोअर में। फर्स्ट लोअर का देखते हैं, सबसे जो ये ऊपर प्रेजेंट है दिस वन लोब, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर लोब, दिस इज सुपीरियर लोब, सुपीरियर सेगमेंटल ब्रोंकाई, सॉरी सुपीरियर सेगमेंटल ब्रोंकाई, सेगमेंटल लोब, सुपीरियर सेगमेंटल लोब ये जो प्रेजेंट है। अभी यहीं से ये कोरस्पोंड करेगा दिस वन एरिया, ये जो सेकंड एरिया है दिस इज एंटीरियर लोअर लोब का, लोअर लोब सेगमेंट का एरिया प्रेजेंट है, दिस इज लेटरल लोअर लोब का एरिया प्रेजेंट है एंड दिस इज पोस्टीरियर। मिडली यूजली दिखाई नहीं देता है, वो थोड़ा पोस्टीरियरली रहता है, तो एंटीरियरली आगे की तरफ जो सबसे प्रेजेंट है दैट इज एंटीरियर एंड जो बीच में प्रेजेंट है दैट इज लेटरल और पीछे जो है पोस्टीरियर प्रेजेंट है। ऐसे ही ऊपर दैट इज जो ये एपेक्स पे है दिस इज सुपीरियर वन, सुपीरियर एंड जो एंटीरियरली प्रेजेंट है दैट इज एंटीरियर एंड जो इसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट है दैट इज पोस्टीरियर। अभी जो ये लोब प्रेजेंट है इसका देखते हैं कैसे कैसे है, कैसे कैसे सेगमेंट है। यहां से एक लाइन पास करेगी दैट इज मिडल लोब, मिडल सेगमेंट, सॉरी दिस ऑल आर सेगमेंट एंड दिस इज लेटरल सेगमेंट। ओब्लिक फीजर से ये सब डिवाइड हुआ। अगर अपर लोब में देख रहे हैं 3 सेगमेंट प्रेजेंट हैं, दैट इज सुपीरियर सेगमेंट, एंटीरियर सेगमेंट जो एंटीरियरली प्रेजेंट है और ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, थोड़ा लेटरली है दैट इज पोस्टीरियर सेगमेंट। मिडल लोब की बात कर रहे हैं 2 सेगमेंट प्रेजेंट है, मीडियास्टाइनल के जो कॉन्टेक्ट में है दैट इज मीडियास्टाइनल सेगमेंट और जो लेटरल पार्ट में है दैट इज लेटरल सेगमेंट। अभी जो सबसे पोस्टीरियरली साइड प्रेजेंट है, जो पार्ट लंग का पोस्टीरियरली प्रेजेंट है उसका जो सबसे ऊपर वाला रीजन है दैट इज सुपीरियर सेगमेंट। नीचे अभी इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है, मिडली नहीं विजिबल होता है, मिडल वन इज पोस्टीरियरली प्रेजेंट तो मिडली विजिबल नहीं रहता है, अदरवाइज यहाँ पे 4 लोब्स 4 सेगमेंट्स नीचे प्रेजेंट होते हैं। एक एंटीरियर सेगमेंट, एंटीरियर सेगमेंट प्रेजेंट रहेगा एंड यहाँ पे लेटरल सेगमेंट प्रेजेंट होगा और यहाँ पे पोस्टीरियर सेगमेंट प्रेजेंट होगा।
तो टोटल कितने सेगमेंट्स हो गए राइट में, 10 सेगमेंट्स. दिस इज अबाउट राइट वन एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट लेफ्ट वन. लेफ्ट में कैसे कैसे डिवाइडेड है वो देखेंगे. लेफ्ट लंग इज लुक लाइक दैट. एंटीरियर बॉर्डर शॉर्ट रहता है एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर बॉर्डर. ये दोनों में ही है. एंटीरियर बॉर्डर शॉर्ट रहेगा एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर बॉर्डर. अब यहाँ पे सिर्फ एक ही फीजर प्रेजेंट है, दैट इज ओब्लिक फीजर. फर्स्ट हम लोग पोस्टीरियर रीजन का ही बात कर लेते हैं. सिमिलरली जैसे वहाँ पे प्रेजेंट था ऐसे ही यहाँ पे भी 10 सेगमेंट प्रेजेंट है और पोस्टीरियरली वही सब सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे. दैट इज सुपीरियर सेगमेंट, ये लाइन जो ड्रॉ करें दैट इज एंटीरियर सेगमेंट एंड दैट वन इज लेटरल सेगमेंट एंड दिस इज पोस्टीरियर सेगमेंट. और मिडल सेगमेंट इज नॉट विजिबल बिकॉज इट लाइक पोस्टीरियरली. अभी जो ये अपर लोब है दैट वन इज लोअर लोब. लेकिन जो ये अपर लोब है ये फर्दर टू में डिवाइडेड है. टू में किस में डिवाइडेड है, सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब. इंफीरियर लोब फर्दर टू में डिवाइडेड है, सुपीरियर लिंगुलर एंड इंफीरियर लिंगुलर. तो यहाँ पे एक लाइन पास कर देते हैं क्योंकि ये लिंगुलर प्रोजेक्शन जैसा अपीयर होता है, जैसे टंग का जो अपीयरेंस है यहाँ पे कार्डियक नोच की वजह से बना है दैट वन. अगर हम लोग इसको डिवाइड करें हैं तो कैसे रीजंस डिवाइडेड हैं वो चीज देखेंगे. फर्स्ट ऊपर का देखेंगे, दिस इज अपाइकल सेगमेंट. अपाइकल सेगमेंट प्रेजेंट है, दैट इज एंटीरियर सेगमेंट. सिमिलरली जैसे राइट में था दैट इज पोस्टीरियर सेगमेंट. बिकॉज ये लिटरली प्रेजेंट है वैसे वहां पे कौन कौन से दो और प्रेजेंट थे, दैट इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर प्रेजेंट थे मिडल में. लेकिन जो इसका लिंगुलर एरिया है यहाँ पे भी दो प्रेजेंट है, दैट इज सुपीरियर लिंगुलर. दिस वन इज सुपीरियर लिंगुलर एंड दिस इज इंफीरियर लिंगुलर. तो ये 10 सेगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है और लंग्स के अंदर ये हेल्प करते हैं सर्जरी के टाइम पे यहाँ से डाइसेक्शन करना बहुत इजी हो जाता है सेगमेंट्स के थ्रू. थैंक यू.